ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूएस इंडिया का स्वागत कर रहा है, लेकिन यूएस का दूसरा भी चाल चरित्र आप सभी जानते होंगे कि वो दिखता जो है वो ऐसा करता नहीं है। पिछले शुक्रवार को ही इंडिया को यूएस अमेरिका ने GSP से हटा दिया है। उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उसकी मकसद क्या है, और वो करके क्या दिखाना चाहते हैं इंडिया को, और इसका तोड़ क्या है, इस पूरी वीडियो में आपको इसी पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ यही है कि हम वापस ईरान से तेल इंपोर्ट करना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना चालू कर दें, जिस पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, और रसिया से हम दो तीन ऐसी और S-400 की डील कर लें जिससे अमेरिका आग बबूला हो जाए। इंडिया को हर एक को काम करना चाहिए जिस पे यूएस ने पैन या प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, तब उसको ये अक्ल ठिकाने आएगी, तब उसको लगेगा कि नहीं, इंडिया हमारा फाइट भी कर सकता है। सिर्फ ऐसे बोलने के लिए दोस्ती नहीं होती, दोस्ती करके दिखानी पड़ती है, तब जाके उसको अक्ल में अक्ल आएगी। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हम कर सकते हैं इस कंडीशन में? हम है करना चाहिए हमें, कमेंट में बताइए। कहीं हम पर सैंक्शन लग गया तो क्या होगा दोस्तों? मेरे हिसाब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अपनी कंट्री इंडिया इज़ नॉट अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री लाइक चाइना, जापान, वियतनाम एंड एनी अदर कंट्री। हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन ही इतना ज़्यादा है कि हमारी इकोनॉमी उसी के सहारे चल रही है अब तक, और चलती भी रहेगी, तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आखिर ऐसा यूएस कर क्यों रहा है? जैसा कि आप सभी जानते हो, जब वो चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका प्रेसिडेंट के लिए, तब उन्होंने बोला था अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी, अमेरिका फर्स्ट बाकी जाए फाड़ में। और दोस्तों अगले साल चुनाव आने वाले हैं यूएस में प्रेसिडेंट का, तो वापस राष्ट्रवाद की नीति उन्होंने लागू कर दिया है। ये तो फर्स्ट रीज़न है। और रीज़न नंबर टू, इंडिया को कुछ फाइटर प्लेन्स चाहिए जिसमें अमेरिका एक बोलते हैं ना, एक लॉबिंग कर रहा है। लॉबिंग कर रहा है मतलब एक ग्रुप बना रहा है कि इंडिया को जो फाइटर प्लेन चाहिए वो हमारा ही ले, F-21 हमारा ही ले, किसी और कंट्री से न ले, जो लेना है हमसे ही ले और किसी से न ले। मतलब ये चाहते हैं कि इंडिया जो भी करे इनके हिसार पे काम करे। एक और रीज़न है, यूएस हमेशा बोलता है कि इंडिया हाई टैरिफ कंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उनकी एक बाइक है, सुपर बाइक बोलते हैं उसको, हार्ली डेविडसन, तो इंडिया पहले उस पर टैरिफ लगाता था 100%, अभी उस पर कम करके 50% कर दिया है। उसके बावजूद भी यूएस बोल रहा है नहीं, 50% से काम नहीं चलेगा, और भी कम कीजिए। तो ये इंडिया की मजबूरी है, और कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो सकता है, इसलिए और हम कम करने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है दोस्तों। यूएस बोलता है कि अपना व्यापार घाटा कम करे। व्यापार घाटा मतलब जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इम्पोर्ट कम करते हैं, वैसे भी इंडिया इम्पोर्ट कम करता है एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अमेरिका का व्यापार घाटा इंडिया से थोड़ा डिफरेंस है। अभी इंडिया का व्यापार घाटा अमेरिका के साथ में 25 मिलियन है, और मेक्सिको उसकी जो नेबर कंट्री है वहाँ पे 75 मिलियन है, और जबकि चाइना सबसे बड़ा कंट्री है वहाँ पे, तो जबकि चाइना के साथ में 420 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो दोस्तों चाइना मेक्सिको के साथ में उसका व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा होने के बावजूद उन लोग को ज़्यादा नहीं परेशान कर रहा है, हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमारे कंट्री इंडिया को ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, इंडिया को किस तरह उसको काउंटर करना चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर ही जाना मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।